परिवर्तन हर इंसान के दिलो दिमाग की गुंजाइश है। मुझे विषय दिया है जैविक, ये भी एक परिवर्तन का विषय है। जब बात 1950 की करूं तो उस समय भी परिवर्तन की गुंजाइश दिलो दिमाग में चलती आ रही थी, क्योंकि उस समय जैविक की जरूरत नहीं थी, उस समय किसी और चीज की जरूरत थी। क्योंकि उस समय देश के खाद्यान्न का भंडार कम हो रहा था और हम किसी दूसरे देशों के ऊपर निर्भर हो रहे थे, खेत में खेती आत्मनिर्भर नहीं हो रही थी और उसकी पूर्ति के लिए हम विदेशों से खाद्यान्न को आयात कर रहे थे, और उस विदेशों से खाद्यान्न को आयात करने के बजाय हम खेती को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रसायन के ऊपर अपनी निर्भरता बढ़ाई। बात जब परिवर्तन की कर रहा हूं तो परिणाम हमारे सामने आया, परिणाम यह आया था कि आज हम देश में पूरे विश्व के अंदर आज हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है। बात यह है कि परिवर्तन हुआ, लेकिन परिवर्तन परलेकारी व्यवस्था के साथ हुआ। जिस रसायन के बल पर खेती का विकास हुआ था वो रसायन आज पूरे देश और पूरे विश्व के अंदर परले मचा रहा है। रसायन की बात करता हूं, रूह कांप जाता है मेरा। 2011 के अंदर अजमेर के अस्पताल के अंदर खड़ा था मित्र के साथ में, एक बालिका को लेके आए थे हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराने के लिए। कारण मैंने पूछा क्या हुआ, उसने किसी प्रकार का कीटनाशक पी लिया। मैं निकट गया, एग्रीकल्चर का स्टूडेंट रहा, निकट जाके पूछा मैंने कहा क्या हुआ, बोले मात्र 5 ml कीटनाशक पिया। 5 ml कीटनाशक से उस बालिका की मौत हो गई, 5 मिनट बाद में वो दुनिया से अलविदा हो गई। मैंने चिंता की कि इस पूरे देश के अंदर 1000 बीघे जमीन के अंदर 20 किलो 30 किलो यूरिया काम में ले जाता है, 1 हेक्टर के अंदर सैकड़ों किलो यूरिया सैकड़ों लीटर जो कीटनाशक प्रयोग किए जाते हैं। जब बात जमीन स्तर की तो मुझे ध्यान में आया कि एक मुट्ठी मिट्टी के अंदर अनंत करोड़ जीवन होते हैं। एक मुट्ठी, एक ग्राम मिट्टी के अंदर 10^6, जब 10 × 10 × 6 करेंगे तब जाके पता चलेगा कि 1 ग्राम मिट्टी के अंदर इतने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन जब बात उस 70 किलो वजन की महिला की बात करें, वो पल भर में 5 ml से नष्ट हो चुकी थी, तो उन बैक्टीरिया की बात कितनी करेंगे। आज किसान की भी स्थिति बदल चुकी है, वो खेती खेत से दूर हो चुकी है। खेती खेत से दूर होने का मतलब है, चाहे बात मैं बीज की करूंगा वो बाजार में जाएगा संकर बीज लेके आएगा, चाहे खाद की बात करूंगा वो रासायनिक उर्वरक बाजार से लेके आएगा, चाहे कीटनाशक की बात करूंगा वो बाजार से लेके आएगा। मतलब खेती खेत से जुड़ी हुई नहीं है, बाजार से जुड़ी हुई है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उसकी लागत बढ़ चुकी है और मुनाफा उसका घट चुका है। किसान का जो आजीविका के रूप में जिस खेती को टारगेट किया जा रहा है वो उसकी आजीविका नहीं हुई है। मैं इस पैटर्न को, जो वर्तमान पैटर्न जो चल रहा है उसको मैं कहता हूं जॉबलेस है, वॉइसलेस है और रूटलेस है, मर्सीलेस एंड फ्यूचरलेस है। इसको डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि जब खेती खेत से युक्त नहीं है, बाजार से युक्त है, तो किसान की आजीविका कम हो रही है। आजीविका का मतलब उसका जॉब कम है, तो वर्तमान खेती है वो जॉबलेस है। जब किसान के पास में जॉब नहीं है, उसकी आजीविका वीन है, तो किसी ने अपनी सामाजिक दिनचर्याओं को चलाने के लिए, शादी ब्याह मौत मरतंग इन सबको चलाने के लिए उसको पैसे की जरूरत पड़ती है। जब उसके पास पैसा नहीं है तो वो साहूकार के पास जाएगा, साहूकार उसकी आवाज को दबा देगा, ये खेती वॉइसलेस है। जब वो वॉइसलेस होता है तो क्या होगा, जब 5 लोग 10 लोग 15 लोग गांव के अंदर सबकी आवाजें दब जाती है तो संवेदना प्रकट करने वाला उसको दुनिया में नहीं दिखता है, तो इस खेती को मैं कहता हूं ये मर्सीलेस है। जब सभी की दुनिया में संवेदना का मिट जाती है तो गांव से विदा होकर शहर की ओर चलने लगता है, तो जब शहर से गांव से शहर की ओर जाता है तो गांव की जड़ें टूटती है। इसलिए खेती को मैं कहता हूं खेती रूटलेस है, जड़ विहीन है। लेकिन जब किसान गांव छोड़कर शहर की ओर जाता है तो देश दुनिया का क्या होगा, क्योंकि आखिर उसको अंधाता कहा जाता है। जब किसान गांव छोड़कर शहर की ओर जाता है तो मैं कहता हूं ये खेती फ्यूचरलेस है। तो फ्यूचरलेस खेती को वापस जोड़ने के लिए जैविक खेती का एक पैटर्न ऑल इंडिया एंड वर्ल्ड के अंदर आ रहा है। हमें कुछ नहीं करना है, नाम से बड़ा विचित्र लग रहा है कि जैविक खेती, हमें खेती को खेत से जोड़ना होगा। चाहे मैं बात बीज की करूं, चाहे खाद की करूं, चाहे दवाई की करूं, सभी फैसिलिटी आपके खेत के अंदर अवेलेबल है। जो यूरिया का कटा नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए लाया जाता है उसमें 100 किलो यूरिया के अंदर 46 किलो नाइट्रोजन होती है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानता है। लेकिन जब मैं बात खेत आधारित व्यवस्था की करता हूं तो 6 बीघे खेत के अंदर 78,000 टन नाइट्रोजन पड़ी है। जानते हैं कि आप, क्योंकि वातावरण में 78% नाइट्रोजन होती है। कितनी परसेंट, 78% नाइट्रोजन है, फिर भी नाइट्रोजन कहां से आ रही है, नाइट्रोजन कहां से आ रही है, बाजार से आ रही है। तो 78,000 टन नाइट्रोजन अपने यहाँ खेत पर अवेलेबल है, बट
हम लोग कहाँ से खरीद रहे हैं, बाजार से। जब बात खेत आधारित व्यवस्थाओं की कर रहा हूं तो मैं अभी बात कर रहा था कि एक मुट्ठी के अंदर अनंत करोड़ जीवाणु होते हैं जो उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधों की जड़ों में देकर उसकी पोषण व्यवस्थाओं को पूरी कर देते हैं। समझ गए होंगे आप बात पोषण व्यवस्थाओं की। अब बात कर रहा हूं मैं कीटनाशक की कि जो खेती के अंदर सैकड़ों लीटर कीटनाशक का प्रयोग हम कर रहे हैं, लाखों रुपए बाजार के अंदर पहुंचा रहे हैं, वो व्यवस्था भी खेत के अंदर अवेलेबल है। खेत के अंदर होने का मतलब है, संस्कृत एक श्लोक है, जीव जीवस्य भोजनम् अन्ति, जंतु नाम जीव नाम कृषि अस्ति। सैकड़ों श्लोक हमारे यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो जहाँ कीटों की व्यवस्थाओं की बात कर रहा हूँ तो जितने हानिकारक कीड़े हमारे खेत में होते हैं उनको खाने वाले लाभदायक कीड़े हमारे खेत में होते हैं। और क्या होगा, जो हानिकारक कीड़े हमारी फसल को खाएंगे वो लाभदायक कीड़े उन कीड़ों को खा जाएंगे, व्यवस्था संतुलन बना रहेगा, हमें किसी प्रकार के कीटनाशक के प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस विषय को धीरे से समझना होगा, कृषि विज्ञान नहीं कृषि के विज्ञान को समझना होगा। एक बात आती है खरपतवार नाशी, कई किसान मुझे पूछते हैं फलाना की खरपतवार मेरे खेत के अंदर आ गया, उसका क्या इलाज करें। लेकिन जब बात जैविक खेती की करूंगा तो मैं उनको यही कहता हूं कि खर का मतलब होता है दुश्मन और पतवार का मतलब वनस्पति। आज के कृषि विज्ञान में ये जाता है कि सभी प्रकार की वनस्पति है वो खराब है, ये आज का विज्ञान कहता है। लेकिन जब वापस अपने प्राचीन काल के इतिहास की करेंगे तो एक श्लोक आपको पूरा पैटर्न को चेंज कर देगा कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनोस्तम अयोग्य पुरुषोत्तम नास्ति योजकस दुर्लभस्ति। इस पूरे पैटर्न को आप आराम से समझना, मसरत बहन का जो भी ध्येय है वो भी इसमें समझ में आ जाएगा। आ मंत्रम अक्षरम नास्ति, ये विद्यार्थी यहाँ पे बैठे हैं, क से कबूतर से लेकर ज्ञा से ज्ञानी बाबा तक जो जितने शब्द है उनसे मंत्र बनाया जा सकता है। आ मूलम अनोषधम नास्ति, मूल कहते हैं पतवार, पतवार का मतलब वनस्पति, एक भी वनस्पति औषधि भी नहीं है। अयोग्य पुरुषोत्तम नास्ति, इस यहां से लगा के अंत तक उत्तर से दक्षिण पूर्व पश्चिम तक कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। मसरत मैडम के जैसे लोगों की जरूरत है, योजकस दुर्लभस्ति, उसको उस धंधे से जोड़ने वाला, मैं जोधपुर का वर्ती यहाँ पे आके पहुंच गया, उसको जोड़ने के लिए मसरत मैडम के जैसे लोग चाहिए। तो बात मैं खरपतवार की कर रहा था, अमूलम अनौषधम नास्ति, तो उस पतवार से औषधि बनाकर उसको बेचकर अपनी आजीविका को चला सकता है। संक्षिप्त में इतना ही समझना है कि खेती के खेत से जोड़कर कृषि के विज्ञान को नहीं उसके मूल आधार को समझना पड़ेगा, जो व्यवस्था खेत में है उसको समझना पड़ेगा। आपको किसी प्रकार की ऐसी विस्तृत जानकारी आपको चाहिए, इसको विस्तार से जानना है, आप जुड़ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, मैं खेत में आकर आपके साथ सहयोग करने का वादा करूंगा। इसी प्रकार आप लोगों ने जो मुझे यहाँ बुलाया, स्नेह दिया, इसके लिए नमस्कार, धन्यवाद।